आज मुझे दिल्ली की हालत देख के रोना आ रहा है और मेरा दिल मचल रहा है, परेशान हूं। और रात भर नींद नहीं आ रही है मुझको, जिस तरह की लोगों की बेचैनी देख रहा हूँ, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, दवाइयां नहीं मिल रही हैं। मेरा दोस्त इस वक्त तड़प रहा है अपना हॉस्पिटल में, उसको ना ऑक्सीजन, उसके बाद ना वेंटिलेटर है। रात से पर्चा मेरे पास है कि रेमडेसिविर मेडिसिन में उसको कहां से ला के दू, इंजेक्शन कहां से ला के दू। उसको कुछ ही देर के अंदर खुदा न खास्ता उसका जो है कहीं उसको ध्यान ना हो जाए, बच्चियां तड़प रही हैं, कोई दे दू अस्पताल के बाद न्यू लाइफ हॉस्पिटल के अंदर। न्यू लाइफ हॉस्पिटल में वो पड़ा हुआ है और आज बेबस है, सब कुछ पैसा है लेकिन ना अस्पताल मिल रहा है, ना दवाई मिल रही, ना ऑक्सीजन मिल रही है। मुझे आज अपने एमएलए होने पर जो है आज फक्र नहीं, बड़ा मुझको बेइज्जती महसूस हो रही कि हम किसी के काम नहीं आ सके, सरकार हमारी हम काम नहीं कर साथ नहीं दे पा रही है। मैं 6 बार से एमएलए हूँ, दिल्ली में सबसे सीनियर एक ही एमएलए हूँ, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनने वाला नहीं, किसी से संपर्क नहीं कर सकते, कौन नोडल ऑफिसर है, कौन क्या है। तो मैं आज परेशान हूँ कि सिर्फ मैं ये चाहूंगा कि दिल्ली हाईकोर्ट तुरंत प्रभाव से दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करे। ये मेरी गुजारिश है कि दिल्ली बहुत बुरी है, नहीं तो सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी। तुरंत इस दिल्ली हाईकोर्ट इसका आदेश करे, दिल्ली में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तुरंत प्रभाव से।